नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। एक दर्जन अभियोग में वंचित पशु चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है और उसके पास मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। 2 दिसंबर 2022 को एक भोपाल पुत्र जगन्नाथ यादव निवासी ग्राम भगवानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाने पर लिखित सूचना दी गई थी कि 29 नवंबर 2022 की रात्रि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के मध्य अज्ञात चोर द्वारा 2 राशि भैंस चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी की गई और आज पुलिस ने उस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल क्या कुछ कहा सुनिए। आज रात्रि लगभग 8 बजे थाना मुबारकपुर दरियाबाद के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सलीम नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। सलीम थाना जीवनपुर का रहने वाला है। वह शातिर अपराधी है। वह इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे कायम है। सलीम का एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। शीघ्र ही इस अपराधी की भी गिरफ्तारी करी जाएगी व इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी।